हेलो दोस्तों, नमस्कार। रसोई लोग का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों, हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में बात कर रहे हैं, जो 52,000 पदों पर भर्ती आपकी आनी है। दोस्तों, भर्ती तो दिसंबर से पहले पहले आ जाएगी और आपका इलेक्शन जो विधानसभा इलेक्शन है उसके पहले आपकी एग्ज़ाम भी करा लिए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपने एग्ज़ाम में 100 से ज़्यादा नंबर कैसे लाना है, 100+ नंबर कैसे लाने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका सिलेबस है वहाँ से 4 पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि रीजनिंग रहता है, हिंदी रहता है, मैथ रहता है और GK GS रहता है। तो दोस्तों, GK GS करंट अफेयर से आपसे जो कि 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहीं आपके मैथ के क्वेश्चन से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन से जो रीजनिंग का पोर्शन होता है वहाँ से भी 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में जो आपका हिंदी का होता है, हिंदी जो पोर्शन है वहाँ से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन रहता है 300 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन दो नंबर का रहता है दोस्तों वहाँ पे आपका। दोस्तों, अगर आपका मैथ वीक है, अगर आपको मैथ थोड़ा सा भी नहीं आ रही है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और मैं बता दूँ कि जो मैथ का पोर्शन होता है ना, उसमें आपके 18 क्वेश्चन जो होते हैं, 18 क्वेश्चन मैथ रहते हैं और बाकी जो 20 क्वेश्चन बचते हैं उसमें से आपके मेंटल एबिलिटी रहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो दोस्तों देखिए, आपका सबका दो चीज़ बहुत मजबूत करना है, पहला तो रीजनिंग है, दूसरा आपका हिंदी है। अगर आपका रीजनिंग अच्छी है तो आप रीजनिंग के आपको क्वेश्चन यहाँ पे 57 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल, क्योंकि 37 तो क्वेश्चन आपका रीजनिंग का ही रहता ही है और बाकी जो मेंटल एबिलिटी होता है वहाँ से 20 क्वेश्चन उस रीजनिंग में ऐड हो जाता है। इस प्रकार से आपके 57 क्वेश्चन टोटल बन जाते हैं। अब मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी आपका 38 क्वेश्चन रहता है। अगर ये दो पोर्शन आपके मजबूत हैं, तैयार हैं बिल्कुल, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, गारंटी है कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप 38 क्वेश्चन आपका हिंदी है, हिंदी में अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको मिलता है रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग के पोर्शन में जैसा कि मैंने बताया कि 37 क्वेश्चन रहता है, 37 क्वेश्चन में अगर आप 45 क्वेश्चन या 48 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एक बड़ा स्कोर यहाँ पे खड़ा हो जाता है। जैसा कि आपको नॉर्मल ले लो 45 क्वेश्चन आपने रीजनिंग से अटैम्प्ट कर लिया है और 30 क्वेश्चन आपने हिंदी से अटैम्प्ट कर लिया, तो टोटल आपके हो गए 75 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 150 नंबर आपके हो गए यहाँ पे। और मैं दोस्तों GK GS की बात कर लूँ तो GK GS से अगर आपने 15 क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं, ऐसे 37 क्वेश्चन में आपको 12 से 15 क्वेश्चन आराम से हो ही जाता है दोस्तों। अगर आपने वहाँ से 15 क्वेश्चन सही कर लिए हैं GK GS से, तो आपके 15 और 75 ये आपके 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपने कोई भी गलती मतलब क्वेश्चन सही किया है, आपकी गलती एक्यूरेसी होकर कम होती है गलत क्वेश्चन करने की, तो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है दोस्तों। यहाँ पे आपको 12 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके जो कि 90 क्वेश्चन आपके सही हो गए, हिंदी से हो गए, रीजनिंग से हो गया, GK GS से, आपके टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 180 नंबर हो जाते हैं। अगर वहीं पर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन से, तो यहाँ पे आपको 12 से 15 नंबर मिल जाता है। मैं अगर 12 नंबर भी ऐड करता हूँ तो आपके नंबर हो जाते हैं 192 नंबर, और 192 नंबर आपके क्वालिफाई मतलब सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। अगर आप ये चीज़ ट्रिक अपनाएंगे तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में कोई रोक नहीं सकता है एक सीट लेने के लिए दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों।